بسم الله الرحمن الرحيم. ये खलील है, ये मामू है और ये आमिर है और ड्यूटी हो रही है। दफ्तर के दौरान ड्यूटी करते हुए किधर जा रहे हैं आमिर साहब? मामू के पास। हमारा मामू जो है ना गुम हो गया, वो हमें हमसे नाराज होके इधर छुप गए आकर, तो हम उनके पास जा रहे हैं मामू के पास। मामू जी स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, तो चलते हैं इनके पास, पूछते हैं आप किस लिहाज से मामू बने हैं, पूछते हैं इनसे। ये मामू और असिस्टेंट मामू तस्वीर बनाते हुए। हाँ जी साहब, कटिंग थी ये मोनी कर छुट्टी बार से आज जाने गुस्सा आया वे हैं। हाँ जी मामू जी, ये बड़े मामू तो ना रखा मैं अगर पूछे तो मिठाई का डाल दी। तो मामू से पूछते हैं कि आप ऑफिशियली मामू कब बनने वाले हैं, तो प्लीज बताएं। ये पीछे कौन है? ये सामने ये बड़े मामू। ये हमारे दफ्तर के हाफिज साहब हैं और माशाल्लाह बड़े मामू यही हैं। फूलों रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक के फजल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज पीछे माशाल्लाह देख सकते हैं आप, फूलों की बहार है इधर हमारे कॉलेज में। और मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि जब हमारे कॉलेज में जो है सर्दियों के फूल निकल आएंगे और माशाल्लाह से जब यहाँ पर एक अच्छा व्यू आएगा तो फिर मैं आप सबके साथ वो चीज़ शेयर करूँगा। तो आज मैं आपके साथ वो व्यू शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ आपको जो हमारे फूल इधर हैं और जो खूबसूरती हमारे कॉलेज की, वो आपके साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं आप फूलों की जोबन। और ये पीछे जो है बाड़ बूटी है इधर, ये अभी इसकी कटिंग हो रही है, तो अभी तो बिल्कुल ये फैली हुई है, तरतीब नहीं है। तो पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह हमारे हाफिज़ साहब जो हैं कटिंग कर रहे हैं और उसको एक खूबसूरत शक्ल में, खूबसूरत रंग में उसको ढाल रहे हैं। तो ये माशाल्लाह इधर से देखें हमारे हाफिज़ साहब ने बहुत अच्छी, तो इधर देखें कटिंग करवाई है उन्होंने। और इधर पीछे से देखें आप माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी बाउंड्री बनाई है। आगे अभी कटिंग करवानी है उन्होंने बेलदारों से या जो काम करने वाले हैं, तो इधर सारी कटिंग हो गई है। ये हाफिज़ साहब की माशाल्लाह से मेहनत है हमारे इधर। Leave me, why do?
अच्छा लग से आपको मैंने कैंपस में जो फूल निकले हुए हैं और हमारे फार्म की तरफ जो फूल थे, तो पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको विजिट कराया था अपने कॉलेज का भी और स्टूडेंट डिमोन्स्ट्रेशन फार्म का भी। तो उसमें अभी जो है फूल अभी लगाए गए थे, फूल निकले नहीं थे। अब तकरीबन 1 मंथ गुजरने के बाद माशाल्लाह आप देख सकते हैं पूरे कॉलेज का माहौल और खूबसूरती इन फूलों की वजह से माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अभी मैं फार्म के ऊपर आया हूँ दोस्त अपने दोस्त नसीम भाई के साथ, अभी फार्म के ऊपर खड़े हैं। यहाँ का भी आपको माहौल दिखाते हैं। गंदम जो है वो गंदम का सब्ज़ा और अब सिट्टे निकल आए हैं गंदम के भी तकरीबन। आप क्योंकि फरवरी एंड हो गया, मार्च चल रहा है, तो 1 मंथ रह गया है। अब गंदम ने सिर्फ पकना ही है और इस तरफ जो बाग लगा हुआ है तो इसके भी फूल निकल आए हैं और इसकी जो खुशबू आ रही है वो ज़बरदस्त महका रही है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर फ्रेशमेंट, और साथ यहाँ पर जो है ना ये देख सकते हैं आप पानी का खाल चल रहा है, यहाँ पर पानी ताज़ा गुजर रहा है। तो यहाँ पर इस जगह पर जो है ना दरख्तों की छाँव, ठंड ठंडी हवा, काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ ये देख सकते हैं आप हमारे कॉलेज का जो है यहाँ पर स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म। उस वक्त जो है ये गंदम जो थी अभी लगाई गई थी जब मैंने आपको विजिट करवाया था। तो 1 मंथ अगर हम पीछे जाएं तो जाहिर बात है 1 मंथ पहले इसकी क्या कंडीशन थी और अब क्या है, और 1 मंथ बाद ये जो है ना येलो हो चुकी होगी, पकने के करीब होगी। और अब जो है मौसम बाहर चल रहा है और दरख्तों के जो पत्ते हैं नए निकलना स्टार्ट हो गए हैं अभी कुछ दिनों बाद। इधर तो आपको अभी तक जो है ग्रीन ग्रीन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये देख सकते हैं आप इन दरख्तों के पत्ते जो हैं फ्रेश निकलना स्टार्ट हो गए हैं। और इधर जो बाग है इसके भी फूल निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसकी खुशबू माशाल्लाह से जो है ना काफ़ी अच्छी लगती है। हमारे दोस्त भी आ गए हैं, वो देखें सामने नसीम भाई। मोड़ ते मठा के उठे आ गए, मोड़ ते मठा के उठे आ गए। लेकिन बना के दी ये थी मेरे कॉलेज की खूबसूरती, मेरे ऑफिस की। मैं पहले अपने पूरे कॉलेज का विजिट मैंने आपको करवाया हुआ है मेरी पिछली वीडियो के अंदर। स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेशन फॉरम का भी आपको मुकम्मल विजिट कराया हुआ है। तो ये जस्ट सिर्फ दोबारा इंट्रो करवाना का मकसद सिर्फ यही था कि जो आप बहार है फूलों की और फूलों की वजह से जो खूबसूरती है हमारे कॉलेज की वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूंगा। तो आप माशाल्लाह से हमारे कॉलेज में जो है फूलों की बहार है, और हमारे कॉलेज में क्या हर तरफ ही जो है ना फूलों की बहार है। मौसम में बहार के फूल और दरख्तों के पत्ते भी अब नए निकल रहे हैं, तो ग्रीनरी और सब्ज़ा भी माशाल्लाह से, और ऊपर से जो है ना गंदम ये जो फसलें हैं उनकी जो ग्रीनरी है उसकी वजह से भी माहौल और लुक जो है बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। कहते हैं आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी, और मैंने जो अपने कॉलेज का आपको विजिट कराया है, अपने ऑफिस का और ऑफिस की जो खूबसूरती आपके साथ शेयर की है, तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगेन आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन साथ साथ ही प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो ये इंशाल्लाह आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी और एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखें, बहुत सारा प्यार और दुआओं के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Take a chance when the world before us falls under